हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोग बैंगलोर से अपना जर्नी स्टार्ट किए थे एंड अभी थोड़ी देर में ही हम लोग चित्तूर पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग का एग्जैक्ट लोकेशन है जागामरला एंड यहां से चित्तूर पड़ेगा 31 किलोमीटर, मतलब 30 मिनट और लगने वाला है। यहाँ से पालमानेर क्रॉस करते ही आपको ना थोड़ा सा एरिया घाट्स वाला मिलेगा। रोड्स पूरा कर्व्ड है, लेकिन हाँ फोर वे लेन है प्लस बीच में डिवाइडर है पूरा। अभी जिस एरिया से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आसपास ही जंगल है। जगह जगह पे ना एनिमल्स के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। सो गाइस, 98 किलोमीटर्स और बाकी है तिरुपति तक। एंड ये वाला रोड ट्रिप तो बैंगलोर टू कोलकाता तक का है, लेकिन डे वन में हम लोग बस तिरुपति तक का ही डिस्टेंस कवर करेंगे। तिरुपति में हम लोग दो दिन स्टे करेंगे क्योंकि वहाँ का टेंपल विजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ से चित्तूर है और 30 किलोमीटर्स। सो तिरुपति है और 89 किलोमीटर्स एंड चित्तूर है सीधा 22 किलोमीटर्स। अगर आपको बंगा रूपालयम सिटी जाना है ना, तो आपको सामने से राइट लेना होगा। सो अभी हम लोग पहुंच गए और एक टोल गेट पे। अभी जो टोल प्लाजा क्रॉस किए वो महासमुद्र टोल प्लाजा था एंड वहां का टोल चार्ज कटा 95 रुपीज। सो गाइज, ये अभी हम लोग NH69 छोड़कर चित्तूर बाईपास रोड ले रहे। अगर आप लोग यहाँ से सीधा कंटिन्यू करते हो तो वो मेन चित्तूर सिटी को जाती है। National Highway 140, National Highway 40.
continue on National Highway 140 for 61 kilometers. सो चित्तूर बाईपास रोड के बाद ना अभी हम लोग जस्ट पकड़े हैं NH 140 को। NH 140 आपका चित्तूर से स्टार्ट होता है एंड ये पूरा चंद्रागिरी तक जाती है जो कि है तिरुपति के आसपास। तो तिरुपति और है 78 किलोमीटर्स एंड नायडूपेटा है 140 किलोमीटर्स। सो नायडूपेटा से ही ना हम लोग को NH 16 मिलेगा जो कि पूरा कोलकाता तक जाती है। NH 140 पे आते ही हम लोग को 6 वे लेन मिल गया है एंड ये न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है बैंगलोर तिरुपति हाईवे। और इसके बनने के बाद से ना बहुत ही कम टाइम में आप लोग बैंगलोर से तिरुपति पहुंच सकते हो। हम लोग जब कोलकाता से बैंगलोर वाला रोड ट्रिप किए थे तब ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था एंड हम लोग पुराने वाले रोड से आए थे, तो वो रोड कुछ खास नहीं है। अगर आपको फिर भी रोड कंडीशन देखना है तो मेरे लास्ट एपिसोड ऑफ कोलकाता टू बैंगलोर रोड ट्रिप सीरीज में मिल जाएगा। मैं इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक भी शेयर कर दूंगी उसका। अभी हम लोग पहुँचे हैं और एक टोल प्लाजा में, ये है गदंकी टोल प्लाजा और यहाँ का टोल चार्ज कटा 120 रुपीज़। गदंकी टोल प्लाजा में ना आपको ब्रेकफास्ट करने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे। सो और 21 किलोमीटर्स पे ही ना हम लोग पहुँच जाएंगे कनीपकम एंड तिरुपति यहाँ से है और 33 किलोमीटर्स, मतलब बस और आधे घंटे का ही जर्नी है।
तो तिरुपति बस है और 10 किलोमीटर्स और विजयवाड़ा है 420 किलोमीटर्स, जो कि है हम लोग का नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो गाइस, हम लोग को दिख गया तिरुपति हिल्स। सो उसी हिल के ऊपर बना हुआ है तिरुपति टेंपल। तो यहाँ से ना बस 2.9 किलोमीटर्स पे ही हम लोग लेंगे रयाला चेरुवु रोड। सो इस जंक्शन से ना हम लोग तिरुपति बाईपास रोड को छोड़ के अभी रयाला चेरुवु रोड पे आ गए हैं एंड हम लोग बहुत ही पास है तिरुपति सिटी के। At Dr. V.R. Ambedkar Junction, take the first exit and stay on West Station Road, Uttarakhand, Naidupeta Road. सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुपति एंड इस ब्रिज के जस्ट लेफ्ट में ही आपको तिरुपति बस स्टैंड मिल जाएगा। तो अभी हम लोग को होटल का लोकेशन सर्च करना है। सो हम लोग का होटल है सहस्रा रेसिडेंसी। तो हम लोग थोड़ा सा रॉन्ग टर्न लेके ना गलत गली में घुस गए हैं। इसके बाद वाला गली में है सहस्रा रेसिडेंसी, तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं।
सो गाइज हम लोग पहुंच गए अपने होटल सहस्रा रेसिडेंसी एंड बाकी का जो अपडेट है ना कि तिरुपति सिटी में हम लोग 2 दिन क्यों स्टे कर रहे हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए हैं, वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।